अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर चैनल होम किचन। आज जो रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो बहुत मज़ेदार सी बनने वाली है। वैसे तो बिरयानी की रेसिपी है, इससे पहले भी बहुत सारी बिरयानी रेसिपी हमारे चैनल पे आप देख चुके हैं, लेकिन आज कुछ डिफरेंट है। आज है नल्ली बिरयानी, जिसके लिए आप देख रहे हैं यखनी हमने पहले से ही तैयार कर ली थी। ये देखें, यखनी में हमने इसमें सिंपल सिर्फ काली मिर्च डाली है, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट। आम यखनी की तरह इसको नहीं बनाया है, सही है। इसको हमने बॉईल करके रख लिया है। साथ इसमें जो जाएगा वो प्याज, दो बड़े प्याज ले लिए थे, उसको स्लाइसेस में कर लिया है। इसका जो मसाला तैयार होगा, कुटी हुई मिर्चें हैं एक चमचा, हल्दी और पिसी हुई मिर्चें दो से ढाई चमचे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। अच्छा, टमाटर हमने इसमें लिए थे, चार बड़े टमाटर थे हमारे, इसको स्लाइसिस में हमने रफ सा काट लिया है। 12 से 15 ये हरी मिर्चें हैं, इसको भी स्लाइसिस कर लिया है। और ये हरा धनिया और पुदीना मिक्स है 1 हैंडफुल, ये हम इसकी लेयर में डालेंगे। एक प्याली दही जाएगा इसमें, क्योंकि हम 1 किलो चावल बना रहे हैं, तो 1 पाव हमने ये दही लिया है। अच्छा, जो इसके ड्राई मसाले, जो एक बिरयानी मसाला तैयार होगा उसमें है ये मिक्स गरम मसाला, जिसमें काली मिर्चें, लौंगे और ये दालचीनी का 1 पीस है, थोड़ी सी जायफल जावित्री है और 12 से 15 लिए हमने छोटी इलायची और 2 छोटे चमचे लिए हैं हमने काला ज़ीरा, यानी कि पुलाव ज़ीरा, ठीक है। इन चारों का हम एक मसाला तैयार करेंगे और थोड़े से आलू बुखारे लिए हैं जो हम दम पे लगाएंगे। चले तो पहले हम अपने चावल तैयार करते हैं। चावल हम 20 मिनट भिगो देंगे और फिर उसको हल्के से ऑयल में भगाड़ लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम अपने मसाले की तैयारी करते हैं। बिरयानी का जो मसाला तैयार होगा उसमें हमने आधी प्याली तेल डाला है। तेल हमने इसलिए कम डाला है क्योंकि हमारे पास जो यखनी है वो नलियों के साथ है और नली में ऑलरेडी बहुत चिकनाई होती है, ठीक है, इसलिए हमने आधी प्याली ही डाला है। अब हम इस पहले प्याज को ब्राउन करके निकाल लेंगे और फिर अलग से एक भगाड़ तैयार करेंगे। वैसे तो 1 किलो अगर हम चावल बनाते हैं तो उसमें 1 प्याली तेल जाता है, लेकिन ये कुछ डिफरेंट है, इसमें ऑलरेडी बहुत चिकनाई है तो इसलिए हमें तेल को कम लेना है। चावल हमारे भीग रहे हैं, वो 20 मिनट तक भीगेंगे और उसके बाद हम हल्के से ऑयल में उसको भगाड़ देंगे और अलग कर लेंगे। बस इसको ब्राउन करके निकालेंगे और फिर अपना मसाला रेडी करते हैं। ये देखिए, प्याज हमारी हो चुकी है और चूल्हा मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि जब इस तरीके की प्याज होने लगे तो फ्लेम ऑफ कर दिया करें, नहीं तो फिर जलने की आ जाती है प्याज में और उससे टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। सारी प्याज निकाल लेंगे और थोड़ी सी बस छोड़ देंगे ताकि हमारे मसाले में भी प्याज का आ जाए टेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 छोटी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा, ये हमारा भगार में जा रहा है, और थोड़ा सा जाएगा इसमें अदरक और लहसुन क्योंकि हम यखनी में डाल चुके थे। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और अपने स्पाइसेस डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें और हल्दी। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, पानी हम अलग से नहीं लेंगे, जो यखनी हमने निकाली थी उसमें से ही हम 1 चमचा डाल देंगे इसमें ताकि हमारा मसाला नहीं जले। थोड़ा सा इसको भून लेते हैं जब तक, और फिर इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। ये देखिए, नली हमने इसको अलग कर लेनी है, 7 से 8 ये नलियाँ हैं हमारी, और हम इसमें पहले डालेंगे गोश्त और उसको अच्छी तरह भूनेंगे और बाद में डालेंगे हम नलियाँ, ठीक है। यखनी को नहीं डालना है, रोक लेना है। बहुत प्यारा सा ये गोश्त था हमारा, चिकना वाला, कुछ रूखा सा, तो ये बहुत अच्छा सा लगता है इसमें।
ये देखिए मसाले में गोश्त डाल दिया है, इसको अच्छी तरह भूनेंगे और फिर थोड़ी सी देर के बाद ही 5 मिनट तक इसको भूनना है और 5 मिनट के बाद हम अपनी नलियों को इसमें डाल देंगे और फिर टमाटर हरी मिर्चों की लेयर लगाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी तरह भूनना है इसको। ये देखिए दूसरी तरफ हमने ऑयल बस 2 चमचे लिए हैं और इसमें कुछ नहीं डालना, सिर्फ हमने चावल को एक भगाड़ सा देना है जिससे कच्चापन निकल जाए। चावल हम बॉयल नहीं करते हैं इसमें, और वैसे हम बॉयल करते भी नहीं हैं क्योंकि अच्छा नहीं लगता, बस हल्का सा उसको भगाड़ लेते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। बिल्कुल कम पानी में आधा पकाना है चावल को, ठीक है, जब तक हमारा मसाला भी रेडी हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, चावल हमारे तकरीबन आधे पक चुके हैं और पानी इसका ड्राई हो गया है। इसका फ्लेम ऑफ करके हम इनको एक खुले बर्तन में निकाल लेंगे। और फिर इसकी लेयर लगाएंगे मसाले में। ठीक है, ये देखिए अच्छी तरह ये मसाले में नलिया और गोश्त भुन चुका है। अब हम इसकी लगाएंगे इसमें टमाटर की लेयर। नलियाँ निकालनी नहीं है आपको, ये थोड़े से बचा लेंगे हम ऊपर डालने के लिए। ठीक है, हरी मिर्च चली जाएंगी इसमें। अब इसमें जाएगी तली हुई प्याज, इसको भी हम थोड़ा सा बचा लेंगे। अब इसमें जाएगा जो हरा धनिया पुदीना हमने लिया था उसको भी हम डाल देंगे और थोड़ा सा बस बचा लेंगे। ये देखिए दही को हमने फूड कलर ऐड कर लिया है इसमें और ये भी लेयर में चला जाएगा। ठीक है, इससे एक तो बहुत अच्छा कलर आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब जो आलू बुखारे लिए थे हमने वो चले जाएंगे इसमें, और जो हमने बिरयानी मसाला बनाया था वो हम इसमें डालेंगे। बहुत प्यारी खुशबू आती है इससे, आप लोग ज़रूर ये वाली बिरयानी ट्राई करिएगा तो आपको ख़ुद पता चलेगा कि इसमें कितना अच्छा फ्लेवर आता है। अब ये सारी लेयर्स लग गई हैं, अब हम इसमें जो चावल पकाए थे वो ऐड कर देंगे। फ्लेम बिल्कुल हमने स्लो रखना है, थोड़े चावल डाल के थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे यखनी। अब हम इसमें थोड़ी यखनी डाल देते हैं। कोने से हाथ करके डालना है, चावलों पे नहीं जाए, सिर्फ मसाला जले ना, हम ये इसलिए डाल रहे हैं। ठीक है, सारे चावल इसी तरीके से डाल देंगे और फिर आखिरी लेयर दम वाली लगाएंगे। चले, ये सारे चावल हमने डाल दिए हैं इस पर, बाकी के जो टमाटर हमने बचाए थे वो डाल देंगे और 2-4 हरी मिर्च हैं, इससे लुक बहुत अच्छा आता है। थोड़ी सी जो प्याज बचाई थी वो, हरा धनिया, और ये है हमारा जो बाकी का बचा हुआ बिरयानी मसाला था वो डालेंगे हम, और थोड़ा सा इसमें जाएगा फूड कलर थोड़ा सा हमने डाल दिया क्योंकि अंदर भी है। अब जो ऊपर है वो यखनी थोड़ी सी डालेंगे ताकि ऊपर वाले चावल भी अच्छी तरह से गल जाएं, क्योंकि चावल हमारे आधे तैयार हुए थे, अब आधे दम में तैयार हो जाएंगे। 15 से 20 मिनट इसको दम देना है और फिर हम डिश आउट करके दिखाते हैं, इसको कवर कर देंगे। जी तो फ्रेंड्स, चेक करते हैं हम, माशाल्लाह से बहुत प्यारा हमारा ये देखें दम बहुत अच्छा लगा है। अब हम इसको चलाएंगे, ये देखें इसको मिक्स कर लेंगे, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, बहुत मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा हमारी ये वाली रेसिपी,
अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमें लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब करें ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक ज़रूर करें। ये देखिए मज़ेदार सी ये नली, बहुत अच्छी लगती है ये बिरयानी। हो गया जी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की मज़ेदार रेसिपी नली बिरयानी, बीफ नली बिरयानी। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक और नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब अपना ख्याल रखें और खुश रहें।